बीजेपी के राज में गौमाता की दुर्दशा, भूख प्यास से मरने की कगार पर गायें, 6 महीने से गौशालाओं को नहीं मिला अनुदान। भोपाल के बैरसिया में सैकड़ों गायों के मरने की असलियत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन बीजेपी की राज में गौमाता किस कदर दुर्दशा है कि उनके लिए भूसा तक नहीं है। पिपरई के गांव में संचालित गौशालाओं में बद इंतजामी के हालात हैं। गांव में संचालित गौशाला में व्यवस्था का कोई खास इंतजाम नहीं है। यहाँ बजट के अभाव में गायों को भूसा तक नहीं मिल पा रहा है। गायों को ज्वार, मक्का आदि के करप दे रहे हैं, जिनसे ठीक ढंग से उनका पेट भी नहीं भर पा रहा है। इसके अलावा कुछ गौशालाओं में तो गौवंश को खेतों में चढ़ाने के लिए ले जाना पड़ रहा है। हालांकि गौशाला प्रबंधन का तर्क है कि उन्हें 6 माह से गायों के लिए कोई बजट नहीं दिया गया, इस कारण अब उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। जिले में इस समय 32 गौशालाएं संचालित हो रही हैं, इनमें से ज्यादातर में गायों को भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। गौशालाओं का संचालन शुरू में सरपंचों ने किया, जिसने 50,000 का बजट मिला। वह निकलने के बाद स्व सहायता समूह को सौंप दिया गया। करीब 20 दिन पहले जनपद सीईओ ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और यहाँ के हालात देखकर दंग रह गए, क्योंकि भूखे रहने के कारण गाय बीमार थी तो एक गाय मृत अवस्था में मिली। पर सीईओ ने नाराजगी भी जाहिर की और जांच के आदेश दिए। ये कौन से ग्राम पंचायत की है गौशाला? खोरीवरी ग्राम पंचायत। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष समूह चलाता है। अच्छा, समूह के द्वारा संचालित है, सरपंच भी है, उनको भी सहयोग। आप देख रेख आप कर दो। तो गांव के लाजे जो भूसा वगैरह की व्यवस्था नहीं है? भूसा की व्यवस्था महंगा ही है, महंगा है, 1200 रुपये क्विंटल भूसा है। गांव का व्यवस्था कह रहे हैं, भूसा भी है और एक तरह से। अच्छा, इनकी जो पत्थर अत्थर पड़े हैं भीतर, इनकी बारिश हुई थी ना तो कीचड़ हो गया था। अच्छा, तो सरपंच ने अभी डलवाई है और मैं साफ सफाई। अच्छा, इनकी बड़े बड़े फटवारे हैं। और इनकी ठंड मंड के इलाजे कोई व्यवस्था, ठंड के इलाजे का व्यवस्था है? अंदर कमरों में वैसे कोई फट्टा मट्टा लगा कोई व्यवस्था? आप यहीं रहते हो पास में? क्या नाम है आपको? रणवीर। कितने जानवर होंगे अभी? जानवर हर महीने इनकी जाती है, आती है पशुपालन विभाग से। अच्छा, तो अभी फिलहाल कितने होंगे? 70-75 होंगे। जी, ढोड़िया की गौशाला है, इस गौशाला में कितने हैं पशु? 50। अच्छा, इनके चरवे की व्यवस्था? अच्छा अच्छा, बाहर चरवे घूमे फिरवे जाते हैं, जैसे पानी की चरवे की व्यवस्था? लाइट व्यवस्था नहीं है इसमें? कहाँ से डाले हो? गाँव से। कितनी लंबी लाइन लाए? तो है कम से कम 5,000। पानी की व्यवस्था का? दूर जाइए। और जानवर रूम में कुछ जो कमरा है उनमें व्यवस्था है जानवरों के लिए कैसी है? ठीक ठाक फर्श मर्श है? पिछले दिनों भोपाल जिले की गौशाला में एक साथ कई गायों की मौत होने से गौशाला प्रबंधन की लापरवाही फिर से उजागर हो गई है। यहाँ भी अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भोपाल की गौशाला जैसा ही मंजर नजर आएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पिपराई से के श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।